लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों एवं छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों के आगमन को लेकर मधुपुर अनुमंडल प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके मद्देनज़र मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यालय कक्ष में अनुमंडल स्तरीय प्रशासनिक बैठक की। बैठक में मधुपुर SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, सारक SDPO मधुपुर वीडियो आनंद कुमार झा, CO मनीष कुमार समेत अनुमंडल के सभी VDO, CO, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। मौके पर SDO योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सकों द्वारा होम क्वारंटाइन भी किया जाना है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के गृह आगमन पर प्रशासन उनका स्वागत करती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी हाल में पैनिक या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सबों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। होम क्वारंटाइन के बाद सभी का मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। देवघर जिला में पहली खेप पहुंची है, इनमें सारठ प्रखंड के 2 लोग शामिल हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य था, जैसा आप लोग जान रहे हैं, कि जो हमारे मजदूर भाई या कोई और ऐसे लोग जो दूसरे स्टेट में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, अब वो समय समय उनका आना शुरू होगा, तो उसके लिए एक रणनीति तैयार कर लेनी है कि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उनका मेडिकल चेकअप हो जाए और फिर उसके साथ किस तरह का ट्रीट हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताना था अपने सारे पदाधिकारियों को। आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग पहले मेडिकल चेकअप करना होगा। मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उनको होम क्वारंटाइन में रहना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है, तो उसके निर्धारण के पश्चात जो भी निर्धारण होगा उसका हम लोग सख्ती से पालन करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं मधुपुर अनुमंडल की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि सरकारी निर्देश के तहत होम क्वारंटाइन में भी लोगों को रखना है, तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे उनका भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी टीम में ग्रामीण स्तर पर गाँव तक हर चीज़, हर जो भी लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे उनका मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने प्रबंध कर लिया है। इसलिए किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनमें से किसी को किसी तरह का कोई परेशानी हो तो संबंधित थाना प्रभारी, खंड विकास पदाधिकारी या वहाँ के संबंधित डॉक्टर से संपर्क करके सूचनाएँ दे सकते हैं वो। तो लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा कि एकदम जागरूक रहें और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वेलकम करते हैं उन लोगों को, मजदूर भाइयों का या जो लोग वहाँ बाहर में फंसे हुए थे उनका आना शुरू हुआ है और आज पहली खेप हम लोग की पहुँची है। उसमें 32 लोग हमारे आए थे, तो मंडल क्षेत्र के 2 लोग जो सारठ ब्लॉक से हैं वो भी आप सारठ पहुँचे हैं,